एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हो चुका था और यहाँ पर राधा और कृष्ण की भेंट हुई और रुक्मणी ने भी पहली बार राधा को देखा, उनका दर्शन किया। रुक्मणी ने सोचा, ये क्या वो यही राधा है जिनके बारे में कृष्ण हमेशा बोलते रहते हैं, सोने से पहले जिनका नाम लेते हैं, उठने के बाद जिनका नाम लेते हैं, क्या ये वही राधा है? तो रुक्मणी को थोड़ा सा जलन हुआ। उन्होंने राधा के लिए दूध लेकर आई और वो दूध इतना गर्म था कि उसने कहा कि राधा ये लो, श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा। राधा ने कृष्ण का नाम सुनते ही उस दूध को एक ही बार में पी लिया, ये भी नहीं देखा कि वो दूध कितना गर्म था। पर राधा को कुछ नहीं हुआ। जाकर थोड़ी देर बाद रुक्मणी देखते हैं कि श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लाल लाल छाले पड़ गए। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि स्वामी, आपके शरीर में ये लाल छाले कैसे पड़ गए? तो कृष्ण ने कहा कि देवी, आपने राधा को जो गर्म दूध दिया था उससे उनका हृदय नहीं, मैं जल गया हूँ, क्योंकि उनके हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। तो ये सुनते ही रुक्मणी चौंक गए कि राधा और कृष्ण का प्रेम कुछ अलग ही है। जो कृष्ण कहते थे राधा कैसी है, आज इन्होंने दिखा दिया कि राधा तो सच में श्री कृष्ण की ही है। एकमात्र प्रेम राधा ने ही किया है श्री कृष्ण से, जो कि कृष्ण भी उनके प्रेम को चुका नहीं सकते। धन्यवाद। जय श्री राधा।